एवरीवन, आप सभी का स्वागत है स्वार्ट बायोलॉजी में। मैं लेके आई हूँ बायोलॉजी ट्यूटोरियल का नेक्स्ट वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और हाँ, रुकिए, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि कहते हैं ना, बेल लगेगा तो क्लास लगेगा। आज का हमारा टॉपिक है डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन एक प्रक्रिया है, सेंट्रल डोमा की पहली प्रक्रिया, जो कि सेंट्रल प्रक्रिया है जिसमें डीएनए अपने आप को ही पुनः बनाता है। ठीक है, डीएनए का पुनः बनना ही डीएनए रेप्लिकेशन कहता है। तो किसी भी प्रक्रिया को पूरा करने के लिए कुछ एंजाइम की आवश्यकता होती है। वो एंजाइम कुछ इस प्रकार है, बिना इसके रेप्लिकेशन की प्रक्रिया स्टार्ट नहीं होती है। रेप्लिकेशन की प्रक्रिया पहले से जानी होती कहाँ है, तो इन सेल होती है, सेल ऑफ न्यूक्लियस। ठीक, न्यूक्लियस में होती है। ठीक है, अब हम जानते हैं इन एंजाइमों के बारे में। तो पहला एंजाइम जो है हेलिकेज है। हेलिकेज एंजाइम क्या करता है? तो हेलिकेज एंजाइम का काम है ओपन करता है हेलिक्स को, ओपन हेलिक्स, या कह दीजिए अनवाइंडिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स। हेलिकेज का यही काम है। ये डीएनए के जो हेलिक्स होते हैं, जो स्ट्रक्चर होता है डीएनए का, वो कुछ इस प्रकार होता है, इस प्रकार होता है। इसको ओपन करके ऐसे बना देता है ये हेलिकेज के द्वारा। ठीक है, टोपो आइसोमरेज का काम क्या होता है? टोपो आइसोमरेज का काम होता है हेलिकेज के द्वारा जो स्ट्रैंड बनता है, उस स्ट्रैंड में टेंशन होती है, उस टेंशन को रिलीज करने के लिए टोपो आइसोमरेज का यूज होता है। तो इसको कहेंगे टेंशन रिलीज, टेंशन रिलीज एंजाइम ऑफ डीएनए हेलिक्स। ठीक, अब आते हैं सिंगल स्ट्रैंड स्टेबलाइजिंग प्रोटीन में। हमने इस स्ट्रैंड का सिंगल इस स्ट्रैंड को सिंगल कर दिया और उसका टेंशन रिमूव कर दिया, बट अभी भी इसको स्टेबलाइज नहीं हुआ, ये अभी भी आपस में जाके वाइंड कर सकते हैं। इसलिए ये प्रोटीन का यूज होते हैं फॉर स्टेबलाइजिंग, फॉर स्टेबलाइजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स। ठीक है, स्टेबलाइजिंग के लिए यूज होता है। तो हेलिकेज में एक और चीज देख लीजिए, हेलिकेज ओपन कैसे होता है? ब्रेकिंग ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करके ही ये दोनों को अलग करता है। अब आता है इम्पोर्टेंट एक और एंजाइम है, वो है लाइगेज। लाइगेज का क्या यूज है? लाइगेज एंजाइम होता है वो जॉइनिंग के लिए होता है। जब सारे एंजाइम का यूज हो, जब डीएनए सेपरेट हो जाता है, तब उसको जॉइनिंग करता है लाइगेज के द्वारा, जॉइनिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स। फिर आता है डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए पॉलीमरेज तीन टाइप के होते हैं, आपको ही पता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो जिसमें यूज होता है वो दो टाइप के यूज होते हैं, केवल फर्स्ट होता है और सेकंड, फर्स्ट और थर्ड होता है डीएनए पॉलीमरेज यूज होता है केवल इसमें। तो डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट जो है वो रिमूवल करता है प्राइमर को, रिमूव ऑफ प्राइमर, एंड इसका एक और काम है फिलिंग द गैप। जो प्राइमर को रिमूव करने से जो गैप बचा है उसको भी ये फिल कर देता है। अब आता है प्राइमरेज। प्राइमरेज क्या है? प्राइमरेज एक डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज है। ये डीएनए पे जाके ज्वाइन होता है, लेकिन आरएनए पॉलीमरेज होता है ये। ठीक, लेकिन डीएनए के वर्क में होता है, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। इसका काम होता है सिगमेंट को, स्मॉल सिगमेंट को जस्टिफाई करना कि हाँ रेप्लिकेशन यहाँ से स्टार्ट होना है। ठीक, स्मॉल सिगमेंट को जस्टिफाई करना।
फिर डीएनए पॉलीमरेज कर दे, इट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट इम्पॉर्टेंट एंजाइम स्टार्टेड प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन की प्रक्रिया को स्टार्ट करता है, इम्पॉर्टेंट स्टैंड होता है स्टैंड ऑफ रेप्लिकेशन की प्रक्रिया को ये स्टार्ट करता है। अब कैसे स्टार्ट करता है ये भी जान लेते हैं। एक्चुअली डीएनए पॉलीमरेज़ तीन टाइप के होते हैं, ये तीन टाइप हैं। पहला होता है अल्फा सब यूनिट, अल्फा सब यूनिट, ओमेगा सब यूनिट एंड बीटा टू सब यूनिट। ठीक, ओमेगा, अल्फा एंड बीटा टू। अब इनके अलग अलग काम होते हैं कि हम आगे की प्रोसेस में आपको समझाएंगे कि इनके वर्क क्या क्या होंगे। शॉर्टली इनको समझ लीजिए, ये कैटालिटिक है एंड ये प्रूफ रीडिंग के लिए होता है एंड इसका काम होता है स्लाइडिंग क्लैंप, प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए इसका यूज होता है स्लाइडिंग। ठीक, शॉर्ट में समझिए इसको। फिर आता है फॉस्फोराइलेज, एडिशन ऑफ फॉस्फोट, एडिशन ऑफ फॉस्फेट फॉर एक्टिवेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड। तो फॉस्फोराइलेज का मतलब होता है न्यूक्लियोटाइड को, न्यूक्लियोटाइड जो होते हैं डीएनए में उनको एक्टिव करना, न्यूक्लियोटाइड एक्टिवेशन बाय द एड ऑफ फॉस्फेट ग्रुप। ये कैसे होगा आइए बताते हैं आपको। जैसे कि हमारे से मोनोफॉस्फेट होता है, फॉस्फेट ग्रुप अटैच करने से ये ट्राई फॉस्फेट बनाता है। ठीक, ट्राई फॉस्फेट बनाता है, ये एक्टिव फॉर्म है, ये डिस एक्टिव फॉर्म है। ठीक, इसी के द्वारा ये वर्क होता है। ठीक है, अब आते हैं न्यूक्लियस में। न्यूक्लियस भी इम्पोर्टेंट इतना नहीं है लेकिन है, जो ओमेगा सब यूनिट के साथ काम करता है प्रूफ रीडिंग में। प्रूफ रीडिंग ऑफ स्ट्रैंड, ये है कुछ एंजाइम। अब जानते हैं इनकी प्रक्रियाओं के बारे में, चलिए चलते हैं इनकी प्रक्रिया के बारे में हम आगे पढ़ते हैं। तो आपने सुना होगा डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए रेप्लिकेशन तीन पार्ट्स में होता है। वो तीन पार्ट्स क्या हैं? वो तीन पार्ट्स हैं इनिशिएशन, इलोंगेशन एंड टर्मिनेशन। हम स्टार्ट करते हैं इनिशिएशन, इलोंगेशन, टर्मिनेशन। डीएनए रेप्लिकेशन की ये तीन प्रक्रिया है जिसमें से इनिशिएशन जो होता है वो सबसे लॉन्ग होता है, क्योंकि यहीं से स्टार्ट होती है डीएनए रेप्लिकेशन होने की। ये सब शॉर्ट टाइम के ही होते हैं, शॉर्ट टाइम के ही होते हैं। अब सारे इनिशिएशन स्टार्ट करने के लिए कुछ स्टेप आते हैं, हम आइए उस स्टेप के बारे में पढ़ते हैं। फर्स्ट स्टेप होता है, फर्स्ट स्टेप है एक्टिवेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड, एक्टिवेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड। इसमें मुझे पढ़ाता है इसमें कौन से एंजाइम का यूज होता है, इसमें फॉस्फोराइलेज के द्वारा, फॉस्फोराइलेज के द्वारा न्यूक्लियोटाइड एक्टिवेट होता है। आइस के बारे में एक्टिवेट AMP, TMP, CMP, GMP, ये कुछ
ये तीन न्यूक्लियोटाइड होते हैं, ये होते हैं, ये न्यूक्लियोटाइड जो होते हैं ये मोनोफॉस्फेट होते हैं। ये मोनोफॉस्फेट होते हैं, इसमें जब एक्टिवेट करने के बाद फॉस्फोराइलेटेड फॉस्फो को फॉस्फो ग्रुप को ऐड किया जाता है, ऐड ऑफ फॉस्फो ग्रुप। फॉस्फो ग्रुप को ऐड करने पे ये एक्टिवेट होके को ऐड करने पे ये एक्टिवेट होके ट्राईफॉस्फेट में बदल जाते हैं, यानी टीएमपी, सॉरी इसको इस एटीएमपी है, ये एटीपी, एटीपी, टीटीपी, सीटीपी एंड जीटीपी, ये इसका एक्टिवेशन फॉर्म है न्यूक्लियोटाइड का। अब इसको न्यूक्लियोटाइड का एक्टिवेट हो चुका है, अब इसका क्लीवेज होगा, यानी डीएनए ओपन हेलिक्स को होंगे, ओपन हेलिक्स डीएनए ओपन होगा, किसके थ्रू होगा, हेलिकेज एंजाइम के थ्रू, हेलिकेज एंजाइम के थ्रू डीएनए अनवाइंड होंगे। इस बार में बता दूँ, ज़्यादा कुछ है नहीं, अनवाइंड होगा, जहाँ से आपका रिकॉम्बिनेशन साइट होगा वहीं से ये अनवाइंड होगा। रिकॉम्बिनेशन साइट क्या होता है, रिकॉम्बिनेशन साइट है, रिकॉम्बिनेशन साइट फर्स्ट रिकॉम्बिनेशन साइट बनाएगा जहाँ से रेप्लिकेशन स्टार्ट होना है, इसको ओरिजिन भी कहते हैं, ठीक। सेकंड पॉइंट आता है कि अभी केस हो चुका है, अब हम टोपो आइसोमरेज यूज करेंगे टेंशन रिलीज करने के लिए। टोपो आइसोमरेज यूज करके टेंशन रिलीज होता है, एंड देन क्या यूज होगा, सिंगल सिंगल स्ट्रैंड स्टेबलाइजिंग प्रोटीन का था अभी, ठीक। ये एंजाइम के लिए अब हमारे पास जो डीएनए का स्ट्रक्चर बचा है वो कुछ इस प्रकार है, ये अनवाइंड है, इसके हाइड्रोजन बाउंड है जो ब्रेक हुए हैं, सिंगल स्ट्रैंड है डीएनए का, अब ये स्टेबल फॉर्म में है। स्टेबल फॉर्म, ठीक, ये हो गया। अब हेलिकेज हो चुका है, हमारे हमें अब हमारा ओरिजिन साइट मिल चुका है। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और जान लीजिए, यूकेरियोट में, यूकेरियोट में मैनी ओरिजिन होते हैं, बट प्रोकेरियोट में, प्रोकेरियोट में वन ओरिजिन होता है। ये सर्कुलर होंगे तो ये कुछ इस प्रकार दिखेगा, यहाँ से ओपन होके कैसे स्ट्रक्चर बनाएगा, ऐसा, ये ऐसा, ये ओरिजिन साइड है, ठीक है। सर इफ सर्कुलर डीएनए, ओके। अब डीएनए रेप्लिकेशन इनिशिएशन का और एक स्टेप है, उस स्टेप के बारे में पढ़ेंगे, फिर आएगा स्टेप, आएगा थर्ड स्टेप रहेगा जो, वो होगा प्राइमर अटैच। प्राइमर अटैच होगा आके उस साइट पे अटैच होगा, प्राइमर अटैच होगा थ्री साइट पे, बिकॉज फंक्शनल ग्रुप आर प्रेजेंट हियर, ठीक। प्राइमरेज हमेशा अटैच जाके होगा, प्राइमरेज अटैच होगा थ्री साइड पे,
थ्री साइड पे अटैच होगा, थ्री साइड पे, बिकॉज ऑफ ग्रुप प्रेजेंट हियर, फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हियर, ये भी एक नोटिस पॉइंट है, फंक्शनल ग्रुप अटैच होगा जहाँ तभी जाके वहाँ पे प्राइमर अटैच होगा। अगर हम इसको स्ट्रक्चर के थ्रू देखेंगे तो चाहे डीएनए का, ये डीएनए है, ये 3 to 5 ये आंटी यहाँ, तो प्राइमरेज प्राइमर होगा जो ऑलवेज अटैच इट दिस साइड। और प्राइमर को सिंपल में पढ़ते कैसे, वो हमेशा 5 to 3 होता है, यानी अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बोल रहे हैं तो प्राइमर हमारे रेप्लिकेशन स्टार्टिंग की प्रक्रिया को स्टार्ट करता है, स्टार्टिंग रेप्लिकेशन। ठीक, जब जाके प्राइमर यहाँ पे अटैच होगा, यानी हाँ डीएनए रेप्लिकेशन यहीं से स्टार्ट होना है, डीएनए रेप्लिकेशन की स्टार्ट होने की शायद यहीं से होगी, यानी और जो न्यू स्ट्रैंड बनेगा वो 5 to 3 बनेगा। ठीक, अब इसमें और ये पार्ट जान लीजिए, इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसे याद रखिए, प्राइमर कि अगर आप कभी पूछा जाए प्राइमर कहाँ मौजूद होता है, कहाँ पाया जाता है, प्राइमर कहाँ पे, तो हमेशा प्राइमर ऑलवेज फाउंड ऑन द फ्रंट ऑफ थ्री साइड ऑफ डीएनए हेलिक्स। अब जैसे मेन इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है, वो पॉइंट आता है इम्पॉर्टेंट है, डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट का, डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट ऐड होता है, रिमूव करता है प्राइमर को, प्राइमर को रिमूव करके बने गैप को एंड गैप को फिल करता है। ठीक, गैप फिल। अब ये कैसे होता है ये भी देख लीजिए, ये डीएनए का स्ट्रक्चर है, रिमूव हो जाएगा। ठीक, रिमूव होगा, पॉलीफर्स ऐड होगा, अब यहाँ पे पॉलीफर्स ऐड हो गया है। ठीक, पॉलीफर्स ऐड हो गया है, तो ऐड होने के बाद अब इसके हो गया है स्टार्ट, इनिशिएशन की प्रक्रिया यहाँ पे स्टेप समाप्त हो गया है, इनिशिएशन कंप्लीट हो गया है। अब जो कम स्टार्टिंग आएगी वो आएगी इलोंगेशन की प्रक्रिया, इलोंगेशन स्टार्ट करने के लिए, इलोंगेशन स्टार्ट करने के लिए जो डिजाइन मूव होता है वो होता है पॉलीफर्स, पढ़ाते हैं एंजाइम डीएनए पॉली थर्ड, ये जब आके अटैच होता है डीएनए से पिस्टन पॉलीमर अटैच था पॉलीफर्स, अब यहाँ पे आएगा
पॉलीपेप्टाइड, ये जब अटैच होगा आपके तो पॉली रिमूव हो जाएगा, पॉलीपेप्टाइड रिमूव हो जाएगा एंड यहाँ पे बाइंड हो जाएगा डीएनए पॉली थर्ड। डीएनए पॉली थर्ड आके यहाँ बाइंड कर जाएगा। ये बाइंड होने के बाद अब इलोंगेशन का स्टेप शुरू होगा। जैसे मुझे पता है डीएनए पॉलीमरेज तीन पार्ट में डिवाइड होता है, अल्फा सब यूनिट, ओमेगा सब यूनिट एंड बीटा टू सब यूनिट। ये तीनों सब यूनिट इसमें पाए जाते हैं और ये डीएनए के रेप्लिकेशन में हेल्प करते हैं। ठीक, अल्फा सब यूनिट कैटलिटिक करता है, तो कैटलाइज रिएक्शन को करता है ताकि प्रक्रिया स्टार्ट हो सके। तो जो ये ओमेगा सब यूनिट है ये इसको रीडिंग प्रूफ करता है और बीटा सब यूनिट स्लाइडिंग करता है, इसको खिसकाता है, फिर प्रक्रिया को आगे करता है। जब डीएनए पॉलीमरेज थर्ड आगे जाएगा तभी जाके न्यू स्ट्रैंड ऑफ डीएनए बनेगा। तो ये इलॉन्गेशन अब यहाँ से स्टार्ट इलॉन्गेशन, यहाँ से इलॉन्गेशन स्टार्ट होगा और मेकिंग न्यू स्ट्रैंड ऑफ डीएनए फाइव टू थ्री डायरेक्शन। ठीक, फाइव टू थ्री डायरेक्शन ये बनेगा। अब यहाँ पे हमने इलॉन्गेशन कर लिया, कई डायग्राम से तो समझते कैसे इलॉन्गेट होके ये डायग्राम बनाता है। ये हमारा और ये भी यहाँ पे भी अटैच कर देते हैं, लेकिन आपने भी एक चीज देखने से जाना है कि डीएनए पॉलीमरेज होता है, डीएनए पॉलीमरेज होता है इसका एक प्रेस फूल होता है, ये टाइमर होता है, इम्पोर्टेंट है इसको लिख लीजिए, टाइमर, ये टाइमर होता है, यानी रेप्लिकेट बोथ स्ट्रैंड, यानी ये डीएनए पॉलीमरेज थर्ड दोनों स्ट्रैंड को ही रेप्लिकेट कर सकता है। बट इनके अब आपने ये पढ़ा कि वो थ्री साइड पे ही प्रेजेंट होगा, तो साइड इसकी है, ये थ्री था, ये फाइव है, ये फाइव है, ये थ्री है, ये थ्री है, ये फाइव है, ये फाइव है, ये थ्री है। तो भी पढ़ा कि हमेशा डीएनए पॉलीमरेज थ्री साइड पे ही होगा, तो ये यहाँ कहीं पे आके अटैच हो जाता है। अब यहीं से न्यू डीएनए स्ट्रैंड की सिंथेसिस स्टार्ट होती है। आप जानते हैं ये भी फाइव टू थ्री होता है, जो न्यू स्ट्रैंड बन रहा है डीएनए का वो ऑलवेज गो टू दिस साइड, इसी साइड पे बनेगा। अब
ये यहाँ पे आपने देखो, यहाँ पे एक ही पॉलीमरेज अटैच है, यहाँ पे दो अटैच हो गए, क्योंकि यहाँ पे डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड बन रहा है, डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड एंड इट इज कंटिन्यूअस स्ट्रैंड। Because of present of terminating group, terminating codon. डीएनए में डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड होता है उसको हम लैगिंग स्ट्रैंड कहते हैं, और जो कंटिन्यूअस स्ट्रैंड होता है उसको लीडिंग स्ट्रैंड कहते हैं। ठीक, अब ये इलॉन्गेशन प्रक्रिया स्टार्ट हो चुकी है, अभी बाकी है टर्मिनेशन। जो अगर टर्मिनेशन में देखा जाए, टर्मिनेशन वैली बहुत छोटी, अभी हमने जाना कि डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड एंड कंटिन्यूअस स्ट्रैंड। तो डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड को लैगिंग स्ट्रैंड कहते हैं और कंटिन्यूअस स्ट्रैंड को लीडिंग स्ट्रैंड कहते हैं। और ये जो फॉर्क बनता है उसको ओकाजाकी फ्रेगमेंट कहते हैं, जहाँ पे जिसमें डीएनए रेप्लिकेशन होता रहता है। अब लास्ट प्रक्रिया आती है टर्मिनेशन की। तो टर्मिनेशन जो होता है वो एंटीकोडॉन पे होता है या नॉन सेंस कोडॉन पे होता है। इसके बारे में आपने पढ़ाई होगा, एंटी कोडॉन नॉन सेंस कोडॉन। जब डीएनए पॉलीमरेज थर्ड इस कोडॉन पे आता है तो डीएनए पॉलीमरेज की डीएनए रेप्लिकेशन की प्रक्रिया रुक जाती है और डीएनए पॉलीमरेज थर्ड रिमूव हो जाता है, रिमूव ऑफ डीएनए पॉलीमरेज थर्ड, देन रेप्लिकेशन की प्रक्रिया पूरी हुई। सो थैंक यू, आगे पढ़ेंगे हम डीएनए रेप्लिकेशन की नेक्स्ट प्रोसेस जो कि है ट्रांसक्रिप्शन। थैंक यू।